और एक ये है, ये 10 में पढ़ रही है, अभी इसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, चौपट है, टटकार है मामला इसका। हमारे हीरोज हैं। तो आज था ये कार्यक्रम मन की बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियो पहाड़ में। मेरा नाम है करण भंडारी और मेरे गांव का नाम है झिझौनी। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे से, और काफ़ी टाइम बाद मैं अपना रेगुलर ब्लॉग शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा समय की कमी के कारण मैं अपना टाइम नहीं दे पाया ब्लॉग के लिए, यूट्यूब के लिए। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है और रहेगा, मुझे आशा है। तो चलो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले है, आज मोदी जी का मन की बात वाला कार्यक्रम है, तो उसके थोड़ी झलकियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो, तो ये हटा देते हैं पत्थर और कवर। या बेसन हमारे हीरो हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरो के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। तो आज था ये कार्यक्रम मन की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये कार्यक्रम होता है, और ये आज था 100वां इस एपिसोड, और बहुत ही प्रेरणादायक एपिसोड होते हैं ये मोदी जी के। तो हर किसी को, जो जनसाधारण है हमारे देश के, उनको सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे लोगों की स्टोरीज भी बता दें इसमें, कि जो जिन्होंने अपना जीरो से कोई भी बिजनेस या कोई भी काम शुरू किया है और काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रदान किया है, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, देखना चाहिए आपको। अगर आपने लाइव नहीं देखा तो रिकॉर्डेड तो देख ही सकते हैं आप। यस पिंक। तो अभी मैं घर में पहुंच के, पहले तो मैंने अनार खा लिया, अभी एप्पल खा रहा हूँ। अनार मैंने हरिका ने खाया मिला के मिलके। अभी हरिका अपने टेडी बेयर को क्या चश्मा लगा रहे हैं, गुड हूज आइज, आइज तो पहले से उस पर अभी शो कर रही हो। तो आजकल गांव में जौ और गेहूँ की लवाई कटाई चल रही है, लेकिन मौसम का ऐसे मिजाज है कि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तो धान पक गई है और ऊपर से अब चाहिए मौसम साफ, धूप चाहिए, लेकिन आजकल मौसम हो रखा है बिल्कुल बरसात वाला और बारिश होने पे लगी है। तो जौ और गेहूँ को काट कर घर में ला कर उसको क्या किया जाता है, कूटा जाता है घर में, चौक में, जो पठाल वाली चौक होती है बाहर आंगन में। तो उसको कूटने से पहले चौक को क्या किया जाता है, गोबर और मिट्टी से उसको लीपा जाता है, ताकि जो उस पर गड्ढे हो ना, तो वहाँ पे जो पतले पतले दाने हैं अनाज के दाने, वो अटके ना, तो इस वजह से उसको पूरी तरीके से लीपा जाता है। लेकिन मैंने देखा है अपने गाँव में काफ़ी बार लोगों ने उसको लीप लिया और बार बार बारिश आके उसको बहा दे रही है, तो इस प्रकार से लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है और मेहनत लग रही है काफ़ी। ये देखो जो यहाँ पे चौक है, इसको गोबर और मिट्टी से लिपा गया है ताकि वो गड्ढे हो जाएं, लेकिन फिर अभी बारिश हुई तो फिर वो देखो वहाँ पे पानी के वो तालाब जैसा हो रखा है। तो ये है, और यहाँ भी देखो और इधर देखो, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बढ़िया तगड़ा उपाय कर रखा है चौक से, चौक को पानी से बचाने के लिए उन्होंने ऊपर जो ये प्लास्टिक का कवर कर रखा है। तो इन लोगों के पास नहीं होगा तो इन्होंने नहीं कर रखा है, लेकिन उन लोगों ने कर रखा है, तो ये भी अच्छा है। मैंने काफ़ी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तो ये कवर कर दे रहे हैं चौक को, ताकि बार बार मेहनत ना करना पड़े और बार बार उसको लीपना ना पड़े मिट्टी और गोबर से। तो अभी फिलहाल मौसम विभाग का दावा है कि कुछ दिन तक मौसम ख़राब रहेगा और ऐसे ही बारिश होती रहेगी, बादल गड़गड़ाते रहेंगे और लोगों को परेशान करते रहेंगे। तो देखते हैं कब तक ये मौसम रहता है और लोगों की परेशानी कब ख़त्म होती है। ये हरिका को हम सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मैं नहीं सो रही थी तो उठा के लाया मैं, अरे डोंट डू, अरे हरिका। तो फिलहाल यहाँ पे आरुषि भी आ गई है और रोनिका भी आ गई है हरिका को खिलाने, खिलाने वाला खिलाने नहीं, पेट वाला खिलाने नहीं, खेल करने उसके साथ। तो थोड़ा मेरे को मौका मिल गया ब्लॉग बनाने का। अरे तुम कहाँ जा रहे भाई, ट्यूशन कहाँ जा रहे तुम, अब कहाँ पढ़ो तुम, कर दी क्या माँ, ठीक है शाबाश, पढ़ाई करो, गुड गुड वेरी गुड। हाँ, पानी में मत जा, मैं बोल रहा हूँ। एक ये है, ये 10 में पढ़ रही है, अभी इसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है,
चौपट है, टटकार है मामला इसका, पढ़ाई वाला मामला बोल। अरे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये पढ़ाई करने जा रहे, ट्यूशन जा रहे हैं, वाह वाह वाह, हमने अपने टाइम पे ट्यूशन का नाम नहीं सुना था, ये हाई करिए। यहाँ एक बिल्ली के तीन बच्चे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सो रखे हैं, क्यूट क्यूट ना रिका, क्यूट क्यूट। अभी दूध पी रहे हैं, यस मिल्क। ये 1, 2 एंड 3 और ये इनकी मदर, माँ जी, यस मदर, यस। दे आर ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क मिल्क। हरिका खुश हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गेहूं और जौ लगभग पक चुके हैं, और लेकिन बरसात क्या करिए परेशान करने पे लगी है। तो मैं हरिका को रोड पे लेके गया था, तो अभी बारिश लगी है और मैं बड़ी मुश्किल से भाग रहा हूँ, और हल्के हल्के भीग भी गए। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी मौसम के हाल ऐसे ही हैं कुछ दिनों तक, और राहत नहीं मिलने वाली लोगों को, क्या बोल सकते हैं। कलयुग चल रहा है तो मौसम का सब डामाडोल है, जिसमें बारिश चाहिए होती है उसमें बारिश होती नहीं, और जिसमें नहीं चाहिए होती है उसमें बारिश लगातार लगी रहती है। और क्या कर सकते हैं, इसमें ये हमारे हाथ पे तो है नहीं कि हम जब चाहे इसको कंट्रोल कर लें। इसका तो जो रेगुलेटर है वो ऊपर ईश्वर के पास है। बिल्ली, बिल्ली सोई है कि उठी है? अरे ये उठ गई भाई, ये देखो तीनों की तीनों बच्ची। तो बच्चे जब तक छोटे हो किसी चीज़ के भी हो तो तब तक बड़े क्यूट और प्यारे लगते हैं, लेकिन बड़े हो जाते तो उसके बाद सब लोग उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इन बिल्लियों के बच्चों के साथ भी है, अभी छोटे छोटे तो बड़े क्यूट हैं, सब उनको पुचकारते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होंगे तो सब कोई, हर कोई उसको पत्थर मारने लग जाएगा कि चोरी करने आ रहा है, दूध पीने आ रहा है। तो ये फ़ायदा है इन बरसाती को डालने का, ताकि जो भी इन्होंने मिट्टी गोबर से लीपा है चौक को, तो वो थोड़ा बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके देखो तो वो बह जाता है, अगर अभी तो हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा ज़्यादा बारिश होगी तो ये जो मिट्टी गोबर ही बह जाता है, फिर इनको दोबारा लीपना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी इसी काम के लिए, सेम वर्क के लिए। वामोस एग घास, अच्छा हाँ। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पहाड़ का लाइफ है, चाहे बारिश हो बर्फ हो कुछ भी हो, लेकिन लोग लगे रहते हैं और लगना पड़ता है, क्या करें, ना लगें तो फिर कैसे काम चलेगा। ये देखो इसने, ये देखो वहाँ जाके इसने एक किंडर जॉय खाया और एक बड़ा सा मोटा सा लॉलीपॉप खाया, और अभी आगे फिर बिस्किट ओ सॉरी नमकीन वगैरह खा लिए, और खाने के लिए ना खाती नहीं है देखो। शाम के बज गए हैं 6, यानी कि बजने वाले हैं 5 मिनट बाद, और यहाँ पर अभी टी पार्टी हो रही है, तो अभी मैं भी पीऊँगा अपनी एक स्पेशल चाय। हालांकि जो प्लेन्स वाला एरिया है तो वहाँ तो हो सकता है गर्मी हो रही होगी, पंखे चल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने जैकेट पहनी है, अभी तक कैप पहनी थी, टोपी पहनी थी गर्म, और इसके अंदर से भी स्वेटर वगैरह पहनी है, तो ठंड हो रही है यहाँ पर। वो तो अभी गर्मी हो रही है क्योंकि मैं चढ़ाई जल्दी इसको हरिका को कंधे में उठा गया और जल्दी जल्दी दौड़ गया, तो इसलिए मेरे को गर्मी फील हो रही है, अदरवाइज़ ठंड हो रही है। और बारिश लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे चौमास वाला मौसम शुरू हो गया होगा, चौमास के टाइम पे होता है ना बरसात का मौसम जो होता है, तो लगातार बारिश, तो ऐसे अभी बाहर जाएंगे तो कोहरा लगा पड़ा है, बारिश लगी पड़ी है, और लोगों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं हम समाप्त, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।